इतने सारे हमारे हल कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति जी। मुझे नागरिक विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया है। सभी एमपीज ने अपनी अपनी बात कही है, मेरा मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। मेरे क्षेत्र के संदर्भ में कुछ बातें माने मंत्री जी से मिलकर के भी मैंने निवेदन किया था। मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठो साहब, एक मिनट बीच में बैठिए। हनुमान जी ने कहा बैठ जाइए, चलिए। निवेदन कर रहा था, आप पीठ की सहायता करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है जी। सीकर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, सीकर के आसपास का इलाका एक टूरिज्म हब है। सीकर की हवेलियां, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, झुंझुनू, सीकर का जो बेल्ट है एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसके साथ में मुख्य रूप से जो सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, अभी इस बार खाटू श्याम जी में 20 लाख लोग वहां का जो मुख्य मेला होता है उसमें आए हैं। एक दिन में 10 लाख लोग आए और हर शनिवार रविवार को वहां लाखों की संख्या में आते हैं, 20-30 हजार हर रोज आदमी आते हैं। संपूर्ण भारत और देश विदेश से लोग आते हैं। जयपुर से खाटू आने में 2.5-3 घंटा लग जाता है, क्योंकि जयपुर ये एयरपोर्ट जो है ये बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ता है। मेरा एक निवेदन है कि उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए, मेले की बात को देखते हुए और ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए, वहां जीण माता का मंदिर भी पड़ता है, इधर शाकंभरी है, इधर खाटू श्याम जी, इधर सालासर है, चारों है, उसके बीच में स्थान पड़ता है, वहां एक हवाई पट्टी का मैंने निवेदन किया था कि वो बन जाए। हमारे रोज डेली को इनको वीआईपी जाता है, क्योंकि मेरे पास सूचनाएं आती हैं, हर रोज वीआईपी जाते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। दूसरा निवेदन ये था, सीकर से हमारी एक हवाई पट्टी है तारपुरा में, सीकर से 20 किलोमीटर दूर है, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। एक बार हमारे माननीय कुछ अतिथि दिल्ली से गए थे, चुनाव में जाना था, फ्लाइट उतरनी थी। सर मैं खुद खड़ा था वहां, फ्लाइट के उतरने से 10 मिनट पहले गाड़ी सामने से निकली वहां पर, क्योंकि बाउंड्री वाल नहीं है। तो मेरा उसके लिए भी आपसे निवेदन है कि उसकी बाउंड्री वाल ठीक होनी चाहिए और उसमें एक ढंग का वेटिंग रूम हो जाए, क्योंकि 2-3 घंटे भी पहले चले जाते हैं तो कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, न फैसिलिटीज है, तो ये भी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आशा करूंगा कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। आपने जो यूक्रेन के समय में काम किया, मेरे खुद के क्षेत्र के 108 विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ते थे, वो बच्चे जब आए तो मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया, तो उन्होंने माने प्रधानमंत्री जी, माने मंत्री जी, आप लोग लेने के लिए भी गए, आपकी जो बात कही वास्तव में परिजनों ने भी जो सराहना की वो उल्लेखनीय है। इसी तरह से कोरोना काल में जो काम किया, उड़ान योजना में सस्ती फ्लाइट दी है, मैं इसके लिए माने प्रधानमंत्री जी और आप दोनों मंत्रियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। फजलुर रहमान जी, आपका बहुत